हे गाइस, मेरा नाम है इमरान शेख और आप देख रहे हो इमरान 16, जहां मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे अपने चेस्ट को पंप किया जाए, वो भी सिर्फ होम वर्कआउट में। मैं आज आपको बताने वाला हूं चार ऐसे वर्कआउट और एक स्ट्रेचिंग जिससे आपका पूरा का पूरा चेस्ट कवर हो जाए। आप जैसे अगर जानते नहीं हो तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो चेस्ट रहता है वो तीन हिस्सों में डिवाइड रहता है, अपर चेस्ट, मिडल चेस्ट और लोअर चेस्ट, और ये सबको काउंटर करना ज़रूरी है। तो आज मैं आपको ये हर एक चेस्ट का पार्ट कैसे काउंटर करें थ्रू वर्कआउट मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। वर्कआउट नंबर 1, वाइड फ्लैट पुशअप। ये परफॉर्म करते ही आपका जो मिडल चेस्ट रहता है उसमें सबसे ज़्यादा टारगेट होता है और आपका मिडल चेस्ट होता है वो ज़्यादा पंप होता है। इसे करने का सबसे सही तरीका होता है कि नॉर्मल जो चेस्ट लेवल पुशअप के लिए आप मारते हो, जो चेस्ट लेवल रहता है शोल्डर लेवल चेस्ट के लिए, उससे थोड़ा सा आपको वाइड लेना है और लेके पुशअप मारना है, और आपको हल्के से नीचे जाना, हल्के से ऊपर आना, हल्के से नीचे जाना, हल्के से ऊपर जाना है। ये करते टाइम आपका पूरा बॉडी स्ट्रेट होना चाहिए, एक लकड़ी के तख्ते की तरह। अगर आपको पुशअप करने में प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ ऐसा आपको फॉर्म जानना है तो ऊपर एक कार्ड आएगा, आप वो कार्ड में क्लिक करिए। उसमें मैंने पूरे तरीके से वो वीडियो में बताया है कि किस तरह से आपको परफॉर्म करना चाहिए, कौन से मिस्टेक्स नहीं करना चाहिए। आपको बस हल्के से नीचे जाना है, हल्के से ऊपर आना है। अगर आपको ये जम रहा है तो आप ये 12 से 15 कर सकते हो एक सेट में, और अगर आपको एडवांस लेवल में जाना तो आप 25-25 मार सकते हो। तो ये था वर्कआउट नंबर 1। वर्कआउट नंबर 2, डिक्लाइन वाइड पुशअप। ये डिक्लाइन वाइड पुशअप अभी जब आप जब मारते हो तो ये आपका अपर चेस्ट में असर करता है। अगर आपका अपर चेस्ट में असर करता है तो आपका दो चीज़ कवर हो जाता है, पहले वर्कआउट में आपका मिडल चेस्ट, सेकंड वर्कआउट में आपका अपर चेस्ट। तो ये परफॉर्म करने के लिए आपको सेम करना है, आपका जो शोल्डर लेवल चेस्ट लेवल है उससे थोड़ा आपको वाइड ग्रिप लेना है, आपका पैर कोई ऊँचे जगह में रहना चाहिए, आपका बॉडी का जो फ्रंट पार्ट रहता है जैसे कि शोल्डर वो जो कोई नीचे जगह रहना चाहिए, आपको वाइड ग्रिप लेना है, आपको हल्के से नीचे जाना, हल्के से ऊपर आना है, हल्के से नीचे जाना, हल्के से ऊपर आना। अगर आप बिगिनर हो तो आप 12 या 13 मार सकते हो, अगर आपको एडवांस लेवल में जाना है तो आप ये 25 परफॉर्म कर सकते हो एक सेट में। ये आपके ऊपर है कि आप दिन में ये कितने बार परफॉर्म करो। तो ये था वर्कआउट नंबर 2। वर्कआउट नंबर 3, इंक्लाइन वाइड पुशअप। ये करने के लिए परफॉर्म करने के लिए आपको कोई ऊंची जगह चाहिए रहता है, आपका जो अपर बॉडी पार्ट रहता है जैसे कि ये शोल्डर, ये हाथ, वो कोई ऊपर जैसे कि जो हाइट ऊपर रहेगा जो चीज़ का उसके ऊपर आप हाथ रखोगे, आपका पैर ज़मीन पे रहेगा और आप नॉर्मल पुशअप परफॉर्म करोगे लेकिन थोड़े वाइड ग्रिप में, और आप ये स्लोली अप स्लोली डाउन स्लोली अप स्लोली डाउन परफॉर्म करते रहना। अगर आपको नॉर्मल आप बिगिनर हो तो आपको ये 12 से 10 करना चाहिए, अगर आप एडवांस लेवल में जाना चाहते हो तो आप ये 25 परफॉर्म कर सकते हो। ये परफॉर्म करने से आपको जो ये लोअर चेस्ट रहता है, ये लोअर चेस्ट बहुत ज़्यादा शेप आता है, ये जो लोअर चेस्ट का आप जो ये पार्ट देख सकते हो जो ये निकल के आता है, ये इंक्लाइन पुशअप से निकल के आता है। आप ये तीनों पुशअप अगर मारोगे तो आपका मिडल चेस्ट, अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट टोन में आएगा, वो ज़्यादा पंप होगा। अगर आप दिन में ये परफॉर्म करना चाहते हो तो 25 करो। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के साथ। वर्कआउट नंबर 4, इंक्लाइन डायमंड पुशअप। अब आप सोच रहे होंगे कि चेस्ट में डायमंड पुशअप मारने की क्या ज़रूरत है, लेकिन जब भी आप डायमंड पुशअप को परफॉर्म करते हो इंक्लाइन में तो आपका ये जो दो चेस्ट को डिवाइड करने वाला जो बीसिक लाइन रहता है, मिडल लाइन डिवाइड जो करता है, वो बहुत ज़्यादा गहरा आता है। आपके जो ऑल ओवर जो चेस्ट रहता है वो चेस्ट भी बहुत ऐसा कैसे आपको समझा सकता हूँ मैं, ये आगे आता है। तो आप ये परफॉर्म करो, और ये बहुत ज़्यादा टफ होता है परफॉर्म करने के लिए। अगर आप जिम जाते हो तो आपको मालूम है जो पेक डेक फ्लाई मारते हैं, या जो अलग अलग भाषा में या अलग लोग जो बोलते हैं बटरफ्लाई, जिससे आपका जो चेस्ट रहता है चेस्ट मसल सामने आता है, ये अगर आप होम वर्कआउट कर रहे हो तो आपको ये परफॉर्म करना चाहिए। आपको सिर्फ डायमंड पोजिशन में रखना है ऊँची जगह में अपना हाथ, पैर ज़मीन पर रहेगा, और आपको धीरे से ऊपर आना, धीरे से नीचे जाना, धीरे से ऊपर आना। आपको जब टेंशन फील होगा अपने चेस्ट में तभी आपका चेस्ट पंप होता है। अगर आप नॉर्मल लेवल में करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो 12, अगर आपको एक्सट्रीम लेवल में जाना है तो आप कर सकते हो ये 25, और ये मैं खाली एक सेट की बात कर रहा हूँ। तो बस आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के साथ। और सबसे लास्ट स्ट्रेचिंग, हर वर्कआउट के बाद आपको स्ट्रेचिंग करना चाहिए। हर वर्कआउट के बाद मतलब ऐसा नहीं कि आप इंक्लाइन मारो स्ट्रेचिंग करो, डिक्लाइन मारो स्ट्रेचिंग करो, फ्लैट मारो, ऐसा नहीं। आपका पूरा जो जब चेस्ट कंप्लीट हो जाएगा आपको स्ट्रेचिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट स्ट्रेचिंग आपका वर्कआउट इनकम्प्लीट रहता है और आपके मसल को पंप ज़रा भी नहीं मिलता। तो चेस्ट का स्ट्रेचिंग करने के लिए आपको कोई पोल या कोई दरवाज़ा या कोई खड़ी चीज़ चाहिए जिसमें आप अपने हाथ को अटका पाओ।
आपका जो हाथ रहेगा वही आपका पैर रहेगा और आपको उसमें अटका के आपको पुश देना है। जब आपकी ये एरिया में जब भी आपके प्रेशर आएगा तो मतलब आपका चेस्ट वर्कआउट कंप्लीट हुआ क्योंकि आपने प्रॉपर स्ट्रेचिंग किया। ये था ऐसे 4 वर्कआउट और 1 स्ट्रेचिंग जो अगर आप करोगे तो आपके चेस्ट को पंप होने से कोई नहीं रोक सकता, ये इमरान का वादा है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल इमरान शेख। और ये वीडियो को बनाने में हेल्प किया है, जैसे कि आप जानते हो पुराने वीडियो में भी आरिफ शेख थे, और इस वीडियो में रिप्रेजेंटेटर या प्रेजेंटेटर मैं हूँ इमरान शेख और आप मुझे जानते ही हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सपोर्ट करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और तब तक के लिए